हाँ जी बीजेपी का कार्यकर्ता जी जी साढ़े 17 सीट से जो साइस है पी एल सी जी उसके वालों श्री नारायण जी मसूर जी साढ़े कई जी गठजोड़ होने के कारण जिन्हें भी बीजेपी है उसे तनो मनो कम कर रही है। असी इस लड़ाई हर आदमी अपने आप नारायण स्रोत मन के लड़ाई लड़ रहे हैं। असी ये लड़ाई नारायण जी वास्ते लड़ रहे हैं ते आने वाले फ्यूचर वास्ते लड़ाई लड़ी जा रही। फ्यूचर दे विच अपने जिहड़े सीनियर लीडरशिप हैगी आ केड़ी सीनियर लीडरशिप केड़ी केड़ी इत्थे आ सकदे आ जी? इत्थे तां 12 तक कैप्टन जी कैप्टन साहब सुने आ रहे ने नड्डा साहब जी आ सकदे ने कोई भी मतलब सीनियर साहब सुनी है कल उन्होंने भी पहले आ रहे ने हाँ जी 10 जनपुरम मूल कर रहे ने हाँ जी ते साडी जिथे बीजेपी दे कैंडिडेट ने साडे निशान ते उत्थे भी आ रहे ने जिथे गठ जोड़ दे बंदे ने उत्थे भी साडी लीडरशिप बड़े गर्म जोशी नाल लीडरशिप जी है पात्रा की किस तरह का प्रचार कर रही है जी डोर टू डोर वगैरह तो अलावा? बीजेपी लीडरशिप का बहुत वधिया प्रचार कर रही है जी पूरा जोर ला के तनो मनो लगे हुए हैं पूरी मेहनत करना साढ़े कैंडीडेट साहब नारायण सिंह जी मतलब जितने थोनों की लगता आम आदमी पार्टी श्रोमणी अकाली दल तो होर भी कैंडिडेट इतने खड़े ने तो उन्होंने बारे की कहना चाहोगे? आम आदमी पार्टी वाले बंदे का कुछ नहीं है ना उन्होंने अज एक सर्कल प्रधान भी ज्वाइन कर साढ़े चो कहता भी उत्तर कोई कुछ नहीं पड़ताल नहीं हैगी वर्कर की कोई वैल्यू नहीं हैगी करके पिछे जाएंगे। कांग्रेस ने किन्ना विकास किया जी इत्थे? कांग्रेस ने तो कितना विकास कर जी एम एल ए साहब ने आपदे विकास कराया जी शहर का तो कोई विकास नहीं होया ना कोई ना सहूलत हुई साढ़े बीजेपी वाले ने दो बारी परचे दर्ज हुए ठीक है इलेक्शन के भी उन्होंने साढ़े नाल धक्का कराया 8 नंबर वार्ड के हाँ जी उसके भी परचे दर्ज करे उन्होंने जी शहर के ना मेडिकल की सहूलत ना पढ़ाई की है कोई ना कॉलेज की व्यवस्था चंगी तरह करी हुई है ठीक है जी उन्होंने कोई कम नहीं करे हल्का पत्र पात्रा के वोटर